नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ ब्लॉक ऑफ मास टू के जी इज प्लेस ऑन द फ्लोर कोविशन ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो पॉइंट फोर फोर्स ऑफ टू पॉइंट एट न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक हमें बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर क्या होगा हमारे ऑप्शन है टू पॉइंट एट एट टू या फिर जीरो ना अपना स्नैरियो ये है कि यह आपका एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है uh, इसका मास दिया हुआ अपने को टू के जी और यह आपकी सर्फेस है और इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन का कोविशियंट है स्टैटिक कोविशन वो अपने को दिया हुआ है म्यू एस इज जीरो पॉइंट फोर और यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया है विच इज़ टू पॉइंट एट न्यूटन अभी बताना है एक्चुअली इनके बीच में आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होएगा अट तो जैसे हम फ्रिक्शन के सवाल करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको एफ एस मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर लेनी चाहिए तो अगर हम यहाँ पे करें एफ एस मैक्ममम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होएगी उसे हम इस केस में लिखेंगे वो एक्चुअली तो म्यू एस एन आता है बट यहाँ क्योंकि एम जी और एन यही दो फोर्सेज हैं तो एन आपका एम जी के बराबर होएगा सो हो जाएगा म्यू एस यानी कि ज़ीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाय आपका जो एम जी एम इसका हो गया टू मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू टेन ले लेते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू एट न्यूटन ना एट न्यूटन का जो आपका फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अपना पॉसिबल है अपने इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जो फोर्स लगाया है दैट इज टू न्यूटन सो ये जो आपका एक्चुअली अप्लाइड फोर्स है वो दैट इज लेस देन एफ मैक्स तो इसका मतलब आपका मोशन स्टार्ट नहीं होएगा आपका एक्सलेशन ब्लॉक का जीरो रहेगा विच एम्प्लाइज यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स विल बी सेम एज आपका अप्लाइड फोर्स सो हम यह कह सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन uh, फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी अप्लाइड फोर्स के बराबर विच विल बी इक्वल टू टू पॉइंट एट न्यूटन फॉर द सिंपल रीजन के आपके ब्लॉक के इरादे हैं चलने के तो इट टेंट्स टू मूव बट एक्चुअली इट इज नॉट मूविंग तो पीछे आपकी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी टू पॉइंट एट uh, हेंस आपका ऑप्शन वन वुड बी द राइट आंसर